कई बार सुपर हीरोज की स्टोरीज पढ़ के या मूवी देख के सबके मन में ख्याल आया होगा कि काश हम में भी ऐसे कोई सुपर पावर्स होते। बहुत से बच्चे स्पाइडरमैन जैसी मूवीज देख के मन में सोचते हैं, मैं भी ऐसे टेरेस पर से जंप करूंगा। सिर्फ बच्चे ही नहीं तो बड़े लोग भी टीवी में देखे हुए स्टंट्स रियल में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। कई बार मूवी में दिखाए गए स्टंट्स पे कंप्यूटर से स्पेशल इफेक्ट दिए होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति है जो साधारण लोगों में नहीं होती है। पूरी दुनिया में काफी कम लोग ऐसे हैं जिनमें पहले से कुछ अलग शक्तियां हैं। जैसे कि आप टायर, ग्लास, मेटल जैसी चीज खा सकते हैं, या फिर कभी ऐसी चीजें खाने का भी सोच भी सकते हैं। शायद ऐसा करना साधारण लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, पर दुनिया में कुछ असाधारण लोग हैं जिनके लिए नामुमकिन चीजें करना बहुत आसान है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही अद्भुत लोगों के बारे में और उनकी क्या विशेषताएं हैं वो बताऊंगी। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल द इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिस्टर ईट्स ऑल माइकल लोटियो फ्रेंच एंटरटेनर है। इस इंसान में एक अद्भुत क्षमता है, बाइसिकल से लेके एरोप्लेन्स तक कोई भी चीज आसानी से खा सकता है। सुन के हैरान रह जाएंगे आप कि इस इंसान ने ईयर 1959 से 1997 तक 9 टन मेटल खाया है और ये सब हार्ड मटेरियल इसकी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि माइकल लोटियो की बॉडी में इंसान का नॉर्मल खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, पर ऐसे मेटल, ग्लास या कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट डाइजेस्ट होता है। एक्चुअली ये एक मेडिकल कंडीशन है पीका नाम का, जिसमें इंसान को ग्लास, मेटल, टायर जैसी चीजें खाने का मन होता है। इसीलिए माइकल लोटियो को मिस्टर ईट्स ऑल नाम दिया है। मैग्नेट मैन, क्या आपने कभी किसी इंसान की बॉडी मैग्नेट की तरह मेटल्स को अट्रैक्ट होती हुई देखी है? हमारे लिए मुमकिन नहीं है, पर मलेशिया के लियू थॉ लिन की बॉडी मेटल से अट्रैक्ट होती है। ये बात सुनके यकीन नहीं होता है ना? इसीलिए मलेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने लियू थॉ को एग्जामिन किया। एग्जामिन करने पे पता चला कि इस इंसान की बॉडी में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बल्कि उसकी स्किन में हाई लेवल फ्रिक्शन है जिससे मेटल की चीजें आसानी से चिपक जाती है, और इस वजह से ये इंसान मैग्नेटिक चीजों को अपने आप से चिपकाने से रोक भी नहीं सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंसान अपनी बॉडी को कार से स्टिक करके कार को आसानी से खींच सकता है। इसीलिए लियू थॉ को मलेशिया में मैग्नेट मैन का नाम से जाना जाता है। अल्ट्रा मैराथन रनर, क्या आप कंटिन्यूसली बिना रुके एक दिन भाग सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है ना? एक दिन क्या, कुछ घंटे के लिए भी बिना रुके भागना भी मुश्किल होता है। लेकिन डीन कार्नेस के लिए कंटिन्यूस 3 दिन या उससे ज्यादा दिन भागना काफी आसान सी बात है। जनरली नॉर्मल इंसान लैक्टिक थ्रेशोल्ड के आगे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट बीट फास्ट होती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। लेकिन डीन कार्नेस को साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि इसकी बॉडी में लैक्टिक थ्रेशोल्ड ना होने की वजह से ये कंटिन्यूस बिना रुके और आराम किए भाग सकता है। यह 2006 की मैराथन में डीन कार्नेस 50 स्टेट्स में लगातार 50 दिन तक भागते रहे। ऐसे सुपर पावर्स के रियल हीरो रेयरली कोई होते हैं। मेगा सेवेंट, सेवेंट एक सिंड्रोम कंडीशन है जिसमें इंसान दिमागी रूप से नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोगों में कुछ अद्भुत विशेषताएं होती हैं जो साधारण इंसान में नहीं होती। जैसे कि आप एक टाइम पे बुक के 2 पेजेस साथ में पढ़ सकते हैं, मतलब राइट आई से राइट पेज पढ़ना और लेफ्ट आई से लेफ्ट पेज पढ़ा। क्या ऐसा पढ़ना मुमकिन है? कभी ट्राई करना ऐसे पढ़ने का। पर अभी हम अमेरिका के लॉरेंस किम पीक की बात कर रहे हैं जो ऑटिस्टिक है, लेकिन ये इंसान एक टाइम पे बुक के 2 पेजेस साथ में पढ़ सकता है और पूरी बुक 1 घंटे में पढ़ के हो जाती है। अद्भुत बात तो ये है कि बुक में से पढ़ा हुआ एक टाइम पे ही याद रह जाता है। यूनिक एपिकल्चरिस्ट, डॉक्टर नॉर्मन ई गैरी एक यूनिक एपिकल्चरिस्ट है, यानी जो मधुमक्खी को पालता है। ये एक अलग एपिकल्चरिस्ट है क्योंकि ये एक टाइम पे 1000 हनीबीज को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इनकी ये अलग विशेषताएं के कारण ये काफी मूवीज और फियर फैक्टर्स जैसे शो में भी आ चुके हैं। तो ये थे दुनिया के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जिनमें नॉर्मल लोग से कुछ अलग ही विशेषताएं हैं। इसीलिए हमने इन लोगों के नाम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहा। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।